हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी। फ्रेंड्स, पकौड़ियाँ तो आपने बहुत खाई होंगी। आज हम कुछ अलग तरीके की पकौड़ी बनाकर बताएंगे। आज हम मक्के की पकौड़ी बनाएंगे, जो भुट्टे के दाने को छील करके पीस के बनाई जाती है। चलिए मक्के से पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। भुट्टे की पकौड़ी बनाने के लिए हमने इस साइज़ के 4 भुट्टे लिए थे और उसको हम छील करके धुल लिए हैं 3-4 पानी से। भुट्टा आपको इस तरह का लेना है, यह देसी भुट्टा है। अमेरिकन कॉर्न से पकौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से नाखून धंसा करके देख लेंगे, ऐसे ही मुलायम भुट्टा रहे। आपको छीलने का तरीका भी हम बताते हैं। यदि इस तरह से छिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको 2 पार्ट में करके और चक्कू की सहायता से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से देखिए, ऐसे निकाल सकते हैं। पूरा भुट्टा इस तरह से हम छील लेंगे। तो ये हमारा 4 भुट्टा हमने छील करके लिया है। ये हरा मिर्च है 6-7, इसको हम धुल करके काट लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी हमने छोटे टुकड़े में कर लिया है। और 6 लहसुन की कलियां हैं, धनिया की पत्ती है डालने के लिए पकौड़ी में। चावल का आटा है 2 बड़े चम्मच, बेसन 2 बड़े चम्मच और 3 छोटे साइज के मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको हमने इस तरह से काट लिया है। सबसे पहले हम मक्के को और अदरक लहसुन सबको एक साथ दरबरा पीस लेंगे मिक्सी जार में। दस 15 दाने हम काली मिर्च के डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे खड़ा, इसको भी हम इसी के साथ पीस लेंगे दरबरा। हमारा भुट्टा पिस चुका है, इसमें भुट्टा और अदरक हरी मिर्च लहसुन जीरा काली मिर्च सभी हमने पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें दरबरा पीसना है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि भुट्टे में खुद नमी होती है। अब हम इसको मिला लेते हैं सब चीज़। हमें आवश्यकता होगी तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। सबसे पहले हम ऐसे ही मिलाएंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। थोड़ा सा अजवाइन हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का स्वाद मक्के की पकौड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है और ये पचाने में भी मदद करता है। 1 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम कटी हुई अपनी प्याज डाल देंगे और हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे बिना पानी के मिलाना है। जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। सभी मसाले हमारे अच्छे तरह से मक्के में मिल चुके हैं, पानी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, इसलिए हमने इसमें पानी नहीं डाला बिल्कुल। इस तरह से आपको मिलाना है, ऐसा ही गाढ़ा रहना चाहिए। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई हमने रख दी थी, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा उठा करके हम डालेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें
सेब नहीं देना है, इसको इस तरह से उठा करके ऐसे ही इसे डाल देना है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम सभी पकौड़ी अपने डाल लेंगे। पकौड़ी आपको छोटी छोटी ही बनानी है और हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेना है। तेल हमें कढ़ाई में इतना डालना है जिससे कि हमारी पकौड़ियाँ डूबी रहें। हमने मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इस पकौड़ी को बनाने में वह बहुत कुरमुरी नहीं बनती है, इसलिए इसे रिफाइंड में ही बनाएं। पकौड़ियाँ हमारी थोड़ी सीख चुकी हैं, इसको हम पलट देते हैं। जब भी आप पकौड़ी बनाएं, उसके लिए मोटी तली की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें जिससे पकौड़ियाँ अच्छे से कुरमुरी बने। इसी तरह से इसको हम तल लेंगे। इतनी पकौड़ियाँ तलने में हमें 3 से 4 मिनट के लगभग लगते हैं। मक्का यदि छील करके रखा है तो पकौड़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप जब भी मक्के की पकौड़ी बनाएं तो देसी भुट्टे का इस्तेमाल करें। सभी पकौड़ियाँ हमारी सीख चुकी हैं, इतनी पकौड़ी तलने में मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सभी पकौड़ियों को तल लेंगे। फ्रेंड्स, जितनी सामग्री हमने ली थी उसमें 4 लोगों के लिए नाश्ते में पकौड़ी पर्याप्त बन जाएगी। शेष बची हुई पकौड़ी को हम इसी तरह से कढ़ाई में डाल देंगे। 2 बार में हमने अपनी पकौड़ियाँ इतनी तली हैं, शेष बाकी पकौड़ी हम अभी तल लेंगे। अब हम इतने पकौड़ियों की प्लेटिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी कुरमुरी आवाज़ आ रही है। इस तरह से देखिए कितनी कुरमुरी पकौड़ी बनी है। एक पकौड़ी हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, अंदर तक पकौड़ी हो गई है। इस तरह से आप मक्के की पकौड़ी बनाइए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसकी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।